ये देखें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तैरना तो बहुत सख्ती मना है, नो एंट्री। बहुत दूर तक फैला हुआ है, पहुँचा दोगे? हवेली चेक करें, बहुत ठंडा है गाइस। चलो नीचे पैर रख कर देखते हैं, वो बहुत ठंडा पानी है भाई। सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक। ओके ये देख ले गाइस, ये है जी रमजान में हमारे गांव की हालत, कुछ भी बाहर नहीं है और गर्मी और रमजान है तो सब अंदर घर में बैठे हैं पंखे के नीचे। सोलह रोजा है, पता भी नहीं चला कि वो तो ऐसे गुजर रहे हैं और अभी हम चल रहे हैं। पता नहीं कितने टाइम से ब्लॉग नहीं बना था, मैंने इसको कहा कि चलो आज ब्लॉग ही बनाते हैं और कितना कितने दिन गुजर गए कि ब्लॉग तो बनाए नहीं। सिर्फ रमजान में सिर्फ एक ब्लॉग आया था तकरीबन, और नाराज़ मत होना गाइस क्योंकि दिल ही नहीं करता बस ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आप लोग ब्लॉग देखते ही नहीं हो ना लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते हो, तो इसको इस वीडियो पर ज़रूर सपोर्ट दिखाना, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है गाइस, ये देखें इंशाल्लाह स्विमिंग पूल का ब्लॉग भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। सामने स्विमिंग पूल है और इधर भी फिर हम इंशाल्लाह ब्लॉग बनाएंगे आएंगे। पेट्रोल है? पेट्रोल नहीं है? अच्छा है, मैंने कहा कि वहाँ अगर वहाँ पर जाते रहे तो वहाँ पर तो एक भी फिर पेट्रोल पंप नहीं है कि वहाँ से पेट्रोल पंप करते। ये देखिए गाइस मस्जिद बन रही है माशाल्लाह से, और ये सामने जो नहीं है ये स्विमिंग पूल है, ये सामने बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसे स्विमिंग पूल है जिसके ब्लॉक भी इंशाल्लाह आने वाले हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों मुश्किल है ना रोज़ा? अच्छा तुम रखते हो रोज़े? ये रोज़े रखता है माशाल्लाह से। ओके गाइस, देखें पाकिस्तान के हालात सारे जो नहीं है वो गांव पे नहीं है, जो और गांव वाले भी वो सब जो जंग बला हो ये सब जमा करके यहाँ पर फेंकते हैं। ये देखें गाइस पाकिस्तान के हालात, ये जो सुरंग नहीं बने हुए सामने इस में से फिर वो नहर से जो गंदा पानी आता है वो इधर आता है और जो साफ पानी आता है वो नहर में चला जाता है, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर तैरना तो बहुत सख्ती मना है। अब देख ले गाइस बहुत दूर तक फैला हुआ है, हजारों लोग इसमें मर चुके हैं। इतना ठंडा पानी है ना, क्या बताऊं। पर इस तरह से जाते हैं, ये देखें यहाँ पर इन्होंने ये भी लगाए हुआ है कि यहाँ पर नहाना बिल्कुल मना है। लेकिन फिर भी ये लड़के जो नहीं है यहाँ पर नहाते हैं। ये इन्होंने किसके लिए बनाए हुए हैं, नो एंट्री। जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना तो ये सारी जगह यहाँ यहाँ तक भर जाती है बारिश के पानी से, अभी तो थोड़ी सी भरी हुई। ये कुछ फार्मेसी है यहाँ पर, कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं। अभी हम मेन रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे। हाँ मुंगा उजू, ये भी नर्सरी है गाइस।
کې حساب وکړ دې په دې لیدو دې سامړه دویمه هو تقریبا درېمه روزې باندې گائز اگر ویڈیو اچھی لگے نا لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا تو کیا چاہتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو کرش ہو رہی ہے ریت جو یہاں پر بنتے ہیں دیکھیں مشین بھی لگے ہوئے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں اور پھر یہاں سے لے جاتے ہیں ادھر آگے ویڈیو پوری دیکھنا کیونکہ ادھر آگے بہت مزے مزے کی چیزیں آنے والی ہے ایک تو یہاں پر جو سامنے نہیں ہے بالکل سامنے یہاں پر ایک بہت لمبی چڑھائی ہے اتنی لمبی چڑھائی ہے گائز یہ ہے سامنے لمبی چڑھائی آ گئی ہے پہنچا دو گے دیکھیں بہت گندا روڈ ہے گائز بہت زیادہ خطرناک روڈ پتا نہیں ہم لوگ ایسے کیسے ہوں گے اسکول بھی بنایا تھا ابھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں ماشاء اللہ کل تو بہت ہے نا ادھر موٹر سائیکل کو بند کر کے نیچے آ رہا ہے پیٹرول کی بچت کیوں نہ یہ دیکھیں پارک گائز گائز یہ سامنے حویلی چیک کریں چڑھائیے ادھر سامنے تمہیں بہت پیاری حویلی ہے یہ سامنے چیک کریں خوشی ابھی نیچے چلتے ہیں گائز چیک کریں ویسے تو یہاں سے پانی آتا ہی رہتا ہے لیکن پتہ نہیں ابھی کیوں نہیں آ رہا ہے آج سے بہت گرمی ہے بہت ٹھنڈا ہے گائز چلو نیچے پیر رکھ کر دیکھتے ہیں وہ بہت ٹھنڈا پانی ہے بھائی مچھلیاں نہیں ہیں نا وہاں اس دفعہ مچھلیاں نہیں ویسے تو بہت مچھلیاں ہوتی ہیں پانی صاف پیے یا نہیں پتا ہے ابھی چلتے ہیں واپس شاباش شاباش بھی چلتے ہیں واپس دیکھیں یہاں پر گھر بھی بنے ہیں ادھر بھی پانی تو تھوڑا ہے اچھا یہ دیکھیں یہاں پر کسی نے پچ بھی بنایا ہے کرکٹ کا یہ دیکھیں کیسے ایک لائن میں آ رہے ہیں یہ ادھر آ رہی ہے ادھر پھر نہ آتی ہے اب یہ دیکھیں پیٹرول کی بچت یہ میں سے نکالو اور یہ دیکھیں زور لگاؤ نا سین ہے گائز یہ اچھا دوبارہ سے نیچے وہاں پر جانا پڑے
निकालो गैर में से। और चाबी भी बंद है। ऐसे कहते हैं दिमाग लगा रहे, दिमाग तो माशाल्लाह से ऐसे उसी रास्ते पर आ गए। मशीन जंगल आका था। यहाँ पर होटल भी है अगर कोई जाए तो। ये रोड भी अभी अभी बना है, बिल्कुल फ्रेश रोड है। फिर से नहर के पास आ गए। अभी हम करते हैं यहाँ पर ब्लॉग एंड भी करके, आप सब लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।